नी जब हम बात करते हैं अबाउट द यूज ऑफ इनपुट्स बाय अ प्रोड्यूसर तो वहां पे जो इनपुट्स की आप कह लें सप्लाई है इट माइट बी पॉसिबल दैट सप्लाई ऑफ इनपुट इज परफेक्टली इलास्टिक हाँ जी ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ऑफ इनपुट या रिसोर्सिस कब होगी वेन प्रोड्यूसर इज ऑपरेटिंग अंडर परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट आर ही इज परचेजिंग इनपुट फ्रॉम परफेक्टली मार्केट और उस मार्केट में क्या होगा देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स दैट वांट टू दैट पर्टिकुलर रिसोर्स लेकिन कई दफा ऐसा भी होगा कि सप्लाई ऑफ इनपुट इज अ पॉजिटिवली स्लोप कर ये उस में जब आपका बायर एक ऐसी मार्केट में हो जिसको हम कहते हैं इम्परफेक्टलीटिव मार्केट जब हम कहते हैं बायर इज अंडर इमपरफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट तो हमने वहां पे बात की थी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर वन इज मोनोपनी दूसरा हमने वहां पर बात की थी ऑलिगोप्सनी और तीसरी हमने बात की थी मोनोप्सोनिस्टिक कंपटीशन जब हम बात करते हैं बायर इज मोनोप्सोनिस्ट तो ये बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें हम कहते हैं कि देर इज अ सिंगल बायर हु वांट टू परचेज द रिसोर्सेज आर इनपुट्स फ्रॉम अ मार्केट और इस केस में जो आपकी सप्लाई कर्व ऑफ इनपुट्स होगी दैट इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व कि मार्केट इनपुट सप्लाई कर्व इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व जब हम कहेंगे यूर प्रोड्यूसर इज अ अनास्ट तो वो यहां पे हाउ मच इनपुट शुड यूज टू प्रोड्यूस द आउटपुट तो उसके लिए वो यूज करता है मार्जिनल इनपुट कॉस्ट और ये मार्जिनल इनपुट कॉस्ट क्या है दिस इज दस्ट दैट दैट अ बार हैज टू बियर टू परचेज एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट कि अगर मैं इसको थोड़ा प्रिसाइजली डिफाइन करूं कि मार्जिनल इनपुट कॉस्ट इज चेंज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट आ रिसोर्स यूज्ड

दो कॉलम्स की इंफॉर्मेशन अगर आप देखो तो आप देख देख सकते यहां पे एक input, input, हो यहां पर यूनिट इज इक्वल टू थ्री इफ समर्चे टू यूनिट ऑफ इनपुट देन प्राइस पर यूनिट होगी थ्री पॉइंट फाइव एंड टोटल कॉस्ट दैट इट हैज बियर टू परचेज दीज टू इनपुट इज इक्वल टू सेवन कि इस टेबल में जो थर्ड कॉलम है दैट बेसिकली रिपोर्ट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट्स टोटल कॉस्ट दैट अ बायर हैज टू फेस टू परचेज द गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट और यहां पे ये जो लास्ट कॉलम है इट बेसिकली रिपोर्ट्स मार्जिनल इनपुट कॉस्ट और ये मार्जिनल इनपुट कॉस्ट किस चीज को डिनोट करता है दिस मार्जिनल इनपुट कॉस्ट डिनोट्स चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट बिकॉज ऑफ चेंज इन वेरिएबल इनपुट्स बाय वन यूनिट कि जब आप यूं कह लें कि फर्स्ट से सेकंड यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट पे गए तो वहां पे चेंज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट्स क्या आई इट इज इक्वल टू फोर लेकिन जो चेंज इन वेरिएबल इनपुट है यहां पे दैट इज इक्वल टू अगेन इफ वी मूव फ्रॉम टू यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट टू थ्री यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट चेंज इन इनपुट इज इक्वल टू वन लेकिन जब आप चेंज इन कॉस्ट की बात करोगे तो यहां पे वो चेंज इन कॉस्ट किस चीज के इक्वल है इट इज इक्वल टू फाइव डिवाइडिंग चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन यूनिट ऑफ इनपुट वी कैन कंप्यूट मार्जिनल इनपुट कॉस्ट अगर हम इसी को एक आप कह लें ग्राफ की फॉर्म में शो करें तो यहां पे हम हॉरिजेंटल एक्सिस में क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ इनपुट ले रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस पे मेरे पास क्या है दैट इज प्राइस पर यूनिट ऑफ इनपुट और यहां पर जो नीचे वाली आपके पास है कर रेड कलर में

मार्जिनल इनपुट कॉस्ट बेसिकली रिपोर्ट कर रहा है चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट और इसको हम यहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं मार्जिनल इनपुट कॉस्ट से फॉर मोनोप्सनी इफ इन अ मार्केट देयर इज अ सिंगल बायर तो जो आपके पास मुनोप्सोनिस्ट होगा उसकी उसके लिए सप्लाई ऑफ इनपुट क्या होगी इट इज अ पॉजिटिवली स्लोप कर्व और मार्जिनल इनपुट कॉस्ट कर्व भी क्या होगी अगेन इट इज कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी इट विल इंक्रीज हाँ अगर मैं इस सारे सेक्शन को अब कंक्लूड करूं तो मैं एक बात यहाँ पे कह सकता हूं कि जो सप्लाई ऑफ इनपुट की जो कर्व है आपके पास इट द एवरेज कॉस्ट दैट द मोनोप्सोनिस्ट फेस टू परचेज वेरिएबल क्वान्टिटी ऑफ इंपोर्ट और फिर एक और जो चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल इनपुट कास्ट ऑलवेज लाइज अब सप्लाई ऑफ इनपुट और शुरू में ये जो डिफरेंस आप कह लें कुछ कम है और जैसे जैसे आपके पास क्वान्टिटी ऑफ इनपुट का यूजेज बढ़ेगा तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन मार्जिनल इनपुट कॉस्ट एंड सप्लाई ऑफ इनपुट ये आप कह लें वाइड हो जाएगा